अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं कड़ी पकौड़े की रेसिपी शेयर करूंगी आपसे। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत कम चीज़ों के साथ बनाऊंगी मैं, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि कड़ी पकौड़े बनाने के लिए मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रही हूँ के साथ। तो मेरी ये रेसिपी बहुत ही सिंपल होती है, बहुत कम इन्ग्रीडियंट्स के साथ बन जाती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ इन्ग्रीडियंट्स में। यहाँ मैंने बेसन लिया है 200 ग्राम्स, इसको मैंने अच्छी तरह छान लिया था ताकि कोई इसमें गुठलियां ना रहें। आधा किलो दही ली है, आप कोशिश करके कहीं से खट्टी दही मंगवाइए, उससे बहुत मजेदार बनती है, लेकिन हमारी तरफ यहाँ पे खट्टी दही नहीं मिलती, तो मैं कंटेनर वाली जो दही होती है वो ही मंगवाई है। एक टी स्पून हल्दी ली है, एक टेबल स्पून नमक है, और एक टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो चलिए फिर अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरी रेसिपी जो है यहाँ से स्टार्ट होती है कि जिस पॉट में मैंने कड़ी को अपनी रेडी करना है, मैं उसी में सबसे पहले ये दही डालूंगी। और इसमें जो बेसन लिया था वो ऐड करूंगी और दही के जितना ही पानी, या फिर आप इस तरह कह लीजिए कि तकरीबन एक कप के करीब पानी इसमें ऐड करूंगी, और इसको अच्छी तरह से विस्क की मदद से फेंट लूंगी। तो देखिए ये हमारी दही और बेसन जो है एक साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, कोई लम्स इसमें नहीं बचे हैं। अब इसमें मैं ये जो हमारे मसाले निकाले थे, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च और नमक, ये तीनों चीजें इसमें मैं ऐड करूंगी और फिर से इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी। हल्दी आपको ज्यादा लग रही होगी, लेकिन इसका कड़ी का जो कलर है वो येलो बहुत खूबसूरत आएगा इसमें इतनी हल्दी डालने से। तो ये देखिए हमारी मसाले, बेसन और दही सब अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें मैं तकरीबन 7 से 8 कप पानी के ऐड करूंगी, बिल्कुल पतला कर दूंगी इसको। अच्छी तरह से आप घोल लीजिए कि कहीं नीचे बेसन जो है एक तरफ को चिपका ना रह जाए, या दही गाढ़ापन उसका जो है सब अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए इसमें। देखिए अच्छी तरह से ये हमने अपना मिक्सचर जो है इसको रेडी कर लिया है। साइड्स पे से आप देख लीजिए कहीं पे दही थोड़ी सी रह गई है, या कोई बेसन या कोई मसाला रह गया, सबको साइड्स को अच्छे से साफ कर लें आप, अच्छी तरह मिक्स कर लें। और अब मैं इसको रखूंगी चूल्हे पे पकने के लिए। तो देखिए मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है पकाने के लिए। अभी चूंकि बेसन और पानी जो है अभी हमने सिर्फ इसको वैसे ही घोला है आपस में, लेकिन जब ये अगर इसको हम वैसे ही बगैर चमचा चलाए रख देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता बेसन इसका नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इसको कंटिन्यूसली हर 2-3 सेकंड के बाद आप थोड़ा सा स्टर करें ताकि बेसन नीचे बैठे नहीं, नीचे बैठेगा तो वो जल जाएगा। तो इसलिए अंटल ये एक बॉयल इसमें ना आ जाए आपको इसको चलाते रहना है। तो चलिए देखिए ये कड़ी में हमारे उबाल आ गया है। इसको मैंने मुस्तकिल चलाया है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है इसको अलग, अनअटेंडेड बिल्कुल ना छोड़ें आप इसको, इसलिए क्योंकि हम जरा भी छोड़ेंगे तो नीचे इसका बेसन लगने लगेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो अब जब इसमें उबाल आ गया है तो मैं इसकी जो फ्लेम है, जो आँच है, उसको मैं लो पे रखूंगी और इसको ढक के 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। अब अगर हम इसको छोड़ेंगे तो अब ये नीचे नहीं लगेगा, क्योंकि आप देखें ये थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है, वाटरी नहीं रही है बिल्कुल। अब इसमें पानी और बेसन जो है ये यकजान हो चुके हैं, तो अब ये नीचे नहीं लगेगा बेसन इसमें से। तो इसीलिए हम सब एक उबाल आने का इंतजार करते हैं स्टरिंग के साथ साथ, और जब उबाल आ जाता है तो फिर इसको ढक के 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं लो फ्लेम पे। तो चलिए हो रही है अभी, उसको ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है पकते हुए। तो यहाँ पे मैं पकोड़े बनाने के लिए आपको बता दूं हमें क्या क्या चाहिए होगा, पकोड़े रेडी कर लेते हैं हम इतने। तो पकोड़ों के लिए मैंने लिया है आधा किलो बेसन, यानी कि 500 ग्राम्स बेसन लिया है मैंने, ग्राम फ्लावर जिसे कहते हैं। 2 मीडियम साइज की प्याज ली थी, उनको मैंने रफली चॉप कर लिया है थोड़ा मोटा मोटा। पुदीना लिया है ये ऑलमोस्ट 4 टेबल स्पून होगा,
और दो हरी मिर्चें ली थी उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इधर मसालों की तरफ आ जाते हैं। तो मसालों में मैंने ये लिया है इधर 1 टीस्पून अनारदाना पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है साबुत धनिया, होल कोरिएंडर जिसे कहते हैं। इसको मैंने 1 टेबल स्पून लेके अपने हाथों से थोड़ा सा उसको मैंने क्रश कर लिया था इस तरह करके दबा के। ये बिल्कुल पूरी तरह साबुत नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा टूटा टूटा हो गया ये लेंगे और हमें थोड़ा पानी चाहिए होगा उसको घोलने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसमें ये सारे मसाले डालूंगी, अनारदाना पाउडर, कुटी हुई मिर्च, नमक, अजवाइन, हल्दी, बेकिंग पाउडर और साबुत धनिया। आप नमक मिर्च जो है फिर से वही बात कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इसमें सूखे मसाले डालने के बाद आप इसको पहले मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। फिर इसमें हम लोग ये डालेंगे सबसे पहले प्याज, पुदीना और हरी मिर्च। अब इसमें डालेंगे पानी थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि इसका बैटर जो है हमें बहुत ज्यादा पतला नहीं बनाना है। देखिए इतना गाढ़ा मैंने इसको तैयार किया है बैटर को। चलिए जी, हमारी कढ़ी को पकते हुए 1 घंटा हो गया है। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा दूं जो मुझे पसंद है। आपके घर में अगर थोड़ी ज्यादा गाढ़ी खाई जाती है तो आप मजीद थोड़ा और पका सकते हैं, लेकिन ये देखिए इस तरह मुझे चाहिए है। क्योंकि अभी जब मैं इसमें पकौड़े ऐड करूंगी तो ये और मजीद गाढ़ी हो जाएगी। पकौड़े जो है इसका जो पानी है वो और एब्जॉर्ब कर लेंगे तो मजीद गाढ़ी हो जाएगी थोड़ी। तो इसलिए अभी इसको लो पे ही रखेंगे मजीद थोड़ी देर के लिए और हम साथ में अपने पकौड़े तैयार कर लेते हैं और उनको फिर साथ साथ जैसे जैसे पकौड़े तैयार होते जाएंगे हम कढ़ी में ऐड करते जाएंगे। तो चलिए पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक पैन में ऑयल जो है उसको प्री हीट कर लिया है और अपना जो हीट है उसको मैंने मीडियम पे रख दिया है। अब हम अपने पकौड़े इसमें डालेंगे। चलिए जी इनको चेक कर लेते हैं। देखिए दोनों तरफ से इनका कलर जबरदस्त हो गया है। अब इनको निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने अभी कढ़ी के नीचे चूल्हा हमारा ऑन ही है, लो पे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ये पहला बैच जो हमारा तैयार हुआ था, अब दूसरा बैच तैयार करेंगे और वो भी हम फिर इसमें ऐड कर देंगे कढ़ी में। चलिए जी, जो दूसरा बैच हमारा तैयार हुआ है इसको भी हम इसी में डाल देते हैं। देखिए आप, जो हमने पहला बैच डाला था उसकी वजह से कढ़ी हमारी थोड़ी गाढ़ी हुई है मजीद। अब इसको मैं 5 मिनट तक और इसको हल्की आंच पे यानी कि लो फ्लेम पे मैं इसको ऑन रखूंगी इसके साथ ढक के, और फिर मैं अपना बघार तैयार करती हूँ इसके साथ जो तड़का होता है इसका। तो देखिए अब हम आ जाते हैं अपने तड़के की तरफ। तड़के के लिए मैंने ये छोटा सा अपना फ्राइंग पैन ले लिया है। मैं ये ज़्यादातर दाल के लिए या किसी भी चीज़ पे तड़का लगाना होता है तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। तो इसमें मैं वही ऑयल जिसमें मैंने पकौड़े बनाए थे वो मैं इसमें डालूंगी। चूंकि हमने ऑयल बिल्कुल भी नहीं डाला है अभी तक अपनी कढ़ी में, तो
इसमें थोड़ा ज्यादा ऑयल डालेगा तड़के के लिए। और यहाँ मैंने तड़का लगाना है साबुत मिर्च का, साबुत लाल मिर्च ली है मैंने 7 से 8। 1 टेबल स्पून मैंने जीरा लिया है, सफेद जीरा। और ये मैंने लिए हैं कड़ी पत्ते। कड़ी पत्तों को मैंने पहले धो लिया था और फिर मैंने उनको पेपर टॉवल पे थोड़ी देर के लिए ड्राई करने के लिए रख दिया था हवा में। तो ये देखिए आप, बिल्कुल भी ये गीले नहीं है, क्योंकि अगर गीले गीले हम इसमें डालेंगे तो ऑयल से झगड़ा हो जाएगा इनका, तो हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले ऑयल चूंकि मेरा गर्म ही है, अभी मैंने इसमें पकौड़े बनाए थे, तो मैं इसमें ये सबसे पहले अपनी ये डालूंगी लाल मिर्च साबुत, क्योंकि ये ज्यादा टाइम लगता है इनको थोड़ा सा फ्राई होने में। इनको फ्राई करेंगे, देखिए लाल मिर्च जो है हमारी फ्राई होना शुरू हो गई है। मैंने मीडियम से भी कम आंच इसकी रखी हुई है हीट जो है। अब मैं इसमें पत्ते डालूंगी, देखिए फिर साथ ही मैं इसमें ये जीरा डालूंगी। फिर हम इसको अपनी कड़ी पे डाल देंगे। चलिए हमारा तड़का तैयार हो गया है। जबरदस्त, क्योंकि मैंने इसकी कुकिंग में कोई भी ऑयल यूज नहीं किया था, तो जितना भी ऑयल है वो तड़के में ही है, तो इसलिए शायद आपको तड़का थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है कड़ी के हिसाब से, जो इसकी क्वांटिटी है उसके हिसाब से बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। तो आप मिक्स करेंगे तो अभी ये गायब ही हो जाएगा इससे। तो हमारी कड़ी जो है वो बिल्कुल रेडी है। चूल्हा आप इसका बंद कर दीजिए और मैं आपको इसको डिश में निकाल के दिखाती हूँ। देखिए इसका गाढ़ापन, देखिए बिल्कुल सेट है ना, तो ये बिल्कुल पतली है और ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ी है। तो चलिए जी, हमारी कड़ी पकौड़े तैयार हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी जबरदस्त बनी है, शक्ल भी बहुत खूबसूरत आई है और टेस्ट भी बहुत मजेदार है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, बहुत आसान सिंपल सी रेसिपी थी, जैसे आपने देखा कि बहुत कम चीजों के साथ मैंने बनाई है, तो आप बहुत इंजॉय करेंगे इसको इंशाल्लाह। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।